नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के रहने वाले महेंद्र मनचंदा पिछले 35 सालों से दशहरे पर जलाए जाने वाले पुतलों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र मनचंदा का कहना है कि उनके पूर्वज पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनके ताऊ पाकिस्तान से भारत आकर पुतला निर्माण का काम करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत में ही रह रहे हैं और यमुनानगर के मॉडल टाउन में उनका निवास स्थान है। लेकिन आज़ादी के बाद से वे भारत में ही रहकर यहाँ पर हर वर्ष दशहरे पर पुतले तैयार करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र मनचंदा का कहना है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने परिवार के बड़े सदस्यों के पास बैठकर पुतला बनाने की कला सीखते थे। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र मनचंदा ने बताया कि वे यमुनानगर में 50 वर्षों से रह रहे हैं और उनका परिवार हर बार जो दशहरे पर पुतले जलाए जाते हैं उनको निर्माण करने का काम लगातार करते आ रहे हैं। वे हर बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला तैयार करते हैं। हर बार रामलीला क्लब के लोग उनके पास आकर उन्हें पुतले बनाने का काम देते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि 3 पुतले बनाने में लगभग 4 लाख रुपए का खर्च आता है। पुतला बनाने के लिए रॉ मटेरियल सहारनपुर से लाया जाता है। पुतले बनाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े बांस, कपड़ा, अखबार की रद्दी, मैदे से तैयार की गई लेवी का प्रयोग किया जाता है। पुतले बनाने के लिए 1 महीने पहले ही इसकी तैयारी की जाती है। कपड़ा बनाने के लिए स्पेशल दर्जी को बुलाया जाता है, क्योंकि 3 पुतलों को बनाने के लिए 1 महीने का समय लगता है और इसमें 3 से 4 कारीगरों की आवश्यकता रहती है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौली की रिपोर्ट। महेंद्र मनचंदा सर, आप जो ये पुतले बना रहे हो सर, ये किन व्यक्तियों के पुतले और कब से बना रहे हो? ये मेरे को तो हो गए 35 साल। उससे पहले मेरे ताऊ बनाते थे जबकि वो पाकिस्तान से आए थे। तो अब मैं ही बना रहा हूँ, 35 साल हो गए हैं। तो 3 पुतले बनते हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, और इन पे लागत कम से कम भी 4 लाख के करीब लग जाती है। तो पुतले कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे इनका जो है वो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? बांस लगता है, रस्सी, सूतली और रद्दी, कपड़ा, प्योर नवा कपड़ा आएगा, थान वो दर्जी सिएगा, और कागज है रंगीन, और लेवी जो बनती है मैदे की 30-25-30 किलो मैदा लग जाता है, और रस्से हैं जो बांधने के लिए, बल्लियाँ हैं जो कंपनी से आते हैं, वो फिटिंग करके जाते हैं, वो क्लंप लगते हैं उसमें। उसके बाद क्रेन आएगी, फिर खड़ा करेगी। पहले उसके यहाँ से निकलेंगे तो पूजा होगी इसकी, एक एक नग की शेर की पूजा होने के बाद फिर ढोल के साथ ये जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जाएंगे ग्राउंड में फिर पूजा होगी, तो खड्डे की, फिर लास्ट में जब खड़ा करना है तो अपना फिर पूजा होगी, 2-3 बारी पूजा होने के बाद फिर खड़ा होगा। तो सर इन कितने पुतले बनाते हैं और इसमें कितना समय लगता है आपको? 1 महीना लग जाता है 3 पुतलों को। तो इसमें और कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? मेरे पास 3 आए जी, एक तो विशाल है और साहिल और महेंद्र मनचंदा। तो आप लोग पाकिस्तान से और यहाँ पे? मेरे जो बुजुर्ग हैं ना, वो गुजर गए, वो पाकिस्तान से, मैं तो यहीं का हूँ। तो वो बनाते थे, स्कूल से आना, उनसे देखते रहना, बैठा रहना, तो उनसे अपना सीख लिया बैठे बैठे अपना। फिर भाई बनाता था मेरा और मैं, भाई गुजर गया, फिर अब मैं कल्ला बना रहा हूँ और साथी ले लेता हूँ, मेरे चेले हैं। तो अभी परिवार में और किसी को ऐसी शिक्षा दे रहे हो पुतले बनाने की? हाँ, एक लड़का है मेरा, वो बना लेता, और मालटोन के अंदर एक ये है, आ जा भी, हेलो हाँ, इनको पूरा तैयार कर रखा है मैंने, ये दोनों भाई हैं, ये पूरा बना लेंगे मेरे बाद। तो अभी जैसे वातावरण को देखते हुए क्या पटाखों पर भी किसी तरह का कोई वो है जो पटाखे रहित भी बना रहे हैं, पटाखे साथ ही हैं इसमें? नहीं, पटाखे हम सहारनपुर से ले आते हैं, सारा सामान इसका सहारनपुर से आता है, यहाँ मिलता नहीं है। बांस वगैरह, कपड़ा, गोले, बारूद जितना है वो सहारनपुर से आता है। तो अब की बार कितने के पटाखे लगाए गए हैं पुतलों? अब 1 लाख के पटाखे लग गए हैं, 1 लाख के लगेंगे पटाखे आ गए हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।